2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें, आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना, हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दो कर कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया, जो इन्होंने नया फॉर्मूला, आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कैसे? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इतने कच्ची कॉलोनियों के अंदर पिछले 75 साल में इतनी सड़कें और गलियां नहीं बनी जितनी पिछले 10 साल के अंदर हमें सड़कें और गलियां बना दी। 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी। कहां से आया पैसा? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हैं। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी, और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने है। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, अपने आप छोड़ी। ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं।
कोर्ट से हमको बेल मिल गई उसके बावजूद। आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था, जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में, हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था, अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस, तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने, ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनाहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है? दोस्तों, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है ये, कैसा क्यों बोल रहा है, अभी अभी जेल से रिहाई होके आई है, आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन, इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है, आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं
जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है, इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, कहा था कि नहीं कहा था। आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की।